नमस्कार, मैं शेफ दीपक गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ कश्मीरी क्यूजीन की बहुत ही फेमस रेसिपी चमन कालियाँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जीरा, कश्मीरी मिर्च, सौंफ पाउडर, स्टार फूल, तेज पत्ता, नमक, पनीर, तेल और दूध। आइए सबसे पहले हम काटते हैं पनीर के स्लाइस कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे लगभग 4 टीस्पून, जिसमें हम पनीर के एक एक करके स्लाइस छोड़ेंगे। पनीर एक एक करके इसलिए डालना चाहिए जिससे वो आपस में चिपक ना जाए। आप देख सकते हैं इन पे कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। ये पनीर हमारा तैयार हो चुका है, इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची थोड़ा तोड़ के, 1 तेज पत्ता, 2 से 3 लौंग और काली मिर्ची, इसको भूनेंगे। अभी हमें इसमें डालने हैं मसाले। सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लगभग 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च डालते हैं हम इसमें डाल देंगे पानी। और हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर का जो तेल है वो इसके ऊपर निकल के ना आ जाए। अब आप जैसा आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर तेल आ चुका है, तो हम इसमें अब थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी हल्दी। इसको एक बार हिलाएंगे, जब पानी उबल रहा है तो हम इसमें मिल्क डालेंगे लगभग 50 ml। इसमें 1 by 1 पनीर के स्लाइस रखेंगे, तो कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा हिलाएं। अब हमारा चमन कलियां रेडी हो चुका है, ये हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसकी गार्निश करेंगे हम कटे हुए हरे धनिया से, और ये जो टमाटर की कुछ कलियां हमने बनाई हैं वो हम इसमें लगाएंगे। चामन कलियां बहुत ही लजीज और बनाने में आसान डिश, आप भी घर पे ट्राई कीजिए और परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई बहुत ही लजीज व्यंजन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।